हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट विद ममता की किचन से मैं ममता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड मुंगलेट की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना तो इतना आसान होता है कि बस क्या कहने। सामान भी इसमें बिल्कुल बहुत ही बेसिक सामान लगता है, कोई फालतू मसाले नहीं लगते। एक तरह से अगर हम कहें तो ये बिना मसालों के बनेगा ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं लगते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए तो गाइस, ये टेस्टी से मूंगलेट्स बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कटोरी के आसपास ये मूंग की दाल को बहुत अच्छे से अभी 3 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिया था। आप चाहें इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, तो मैंने अभी बनाने थे तो अभी मैंने इसीलिए 2-3 घंटे पहले इसको बहुत अच्छे से वॉश करके इसको रख दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक बहुत अच्छा सा बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया सा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मिक्सी का जार लूंगी और उसमें इसका एक पेस्ट बना के आपको पहले दिखाती हूँ। चलिए तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बहुत बढ़िया सा इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, बिल्कुल एकदम फाइन किया है। और इसी तरह से आप भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे एकदम बहुत बढ़िया से पीस लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी पीस जाता है, मूंग की दाल है, बहुत हल्की होती है तो इसलिए ये पीस भी बहुत जल्दी जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये एक चुटकी करीब यहाँ पे लिया है हींग। तो हींग से बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत हल्का सा बनता है ना और हेल्दी तो होता ही है, तो इसीलिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पड़ते हैं मसाले, ठीक है ना। तो अब हम इसमें केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून करीब नमक डाल रही हूँ और इसके कलर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मूंग की दाल है बहुत लाइट कलर होता है, तो सब लोग इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैं इसके कलर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये 1/4 टीस्पून करीब हल्दी पाउडर डालूंगी। और कई लोग इसमें बेसन भी डालते हैं, तो मैं इसमें बेसन नहीं मिला रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मूंग की दाल का बनाऊंगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग बनेगा, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सब मिला दिया है ना इसमें, तो अब आपको मैं दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर ना कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखी हैं जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहें तो अगर ये सारी सब्जियां आप खाते हैं तो एक साथ इसमें मिला दीजिए, अदरवाइज़ घर में कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे प्याज डाला है, प्याज तो नॉर्मली खा ही लेते हैं लेकिन शिमला मिर्च नहीं खाते हैं या गाजर नहीं खाते हैं, तो आप उसका भी दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको हर बार एक बाउल में या एक ग्लास में निकाल के उनकी पसंद की सब्जियां डालकर उसे फेंटिए, मतलब तब उसे आप मिला के उसमें डालिए। वरना मेरे घर में तो खैर ये वेजिटेबल्स वगैरह सभी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दूंगी। और सब्जियों में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे ये आधा प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके रखा हुआ है, ये मैं इसमें मिला दूंगी। आधी शिमला मिर्च है, ये भी डाल दूंगी। ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल दूंगी। तो हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर बच्चे बड़े आपके घर में खाते हो तब डालिए, वरना बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया और कुछ करी लीव्स ली हैं, ठीक है, तो वो भी मैं डाल दूंगी, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। और ये मैंने आधी गाजर मैंने यहाँ पे ले ली है और इसे भी डाल देंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सब्जियाँ वगैरह पसंद हो तो आप वो भी इसमें कट करके डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो जो सब्जियाँ अवेलेबल थी मैंने वो सारी इसमें डाल दी हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट बन जाता है और हेल्दी, आप देखकर ही समझ गए होंगे, एक तो मूंग दाल, दूसरा इतनी सारी वेजिटेबल्स। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से ये तैयार हो जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ना मैंने लिया है ये इनो फ्रूट सॉल्ट, तो आप भी इस तरह से इसको ले सकते हैं। और इसको ना डायरेक्ट सारा इसमें नहीं डालेंगे, उससे क्या है, क्योंकि इनो डालते ही इसमें एक्टिवेट हो जाएगा और हमें ये पूरे बैटर की इस समय ज़रूरत नहीं है, तो मुझे जितने भी बैटर की ज़रूरत है मैं उतना एक बोल में निकाल लूँगी और जितना मुझे एक बार में इसे बनाना है ना तो उतना डालूँगी। और उसमें सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार बहुत थोड़ा सा, ये देखिए इतना सा मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसी को बहुत अच्छे से मिक्स करके, जैसे ये है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके गैस की तरफ को चलती हूँ और इसे तुरंत बनाऊंगी। क्यों, तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है और उसमें मैं बहुत थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर डाल दूंगी।
तो ये बटर में अगर बनाएं तो बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो वैसे आप चाहें इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट बटर का ही एक्चुअल में आता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसमें बटर डाल दिया है और ये बाकी जो बचा हुआ बटर है इसको मैं निकाल लेती हूँ अलग से। तो मैंने इसका एक्स्ट्रा बटर निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने इसमें बैटर लिया हुआ है ये देखिए बहुत गाढ़ा सा है ना, तो इनो डालने के बाद ये बिल्कुल बढ़िया सा बन गया है फूल के, और अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे और उसके बाद अब मैं इसको ढक दूंगी और ढक के कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो ही है वैसे तो, उसी फ्लेम पे हम इसे कुक होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितने बढ़िया से इसने अपनी किनारियाँ छोड़ दी हैं और आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे इतना बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे और ये देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आया है, आप देख पा रहे होंगे इतने बढ़िया से सिका है। तो इसी तरह से अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दूसरी तरफ भी हल्का सा बटर लगाकर ढक लगा लेते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अब हम इसे 2 मिनट के लिए और रख रहे हैं और फिर देखिए आप ये कितने बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बढ़िया से ये कुक हो चुका है और ये देखिए अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह। तो ये डिवाइड कर लिया है और अब हम इसमें बीचों बीच डाल देंगे बटर। ये देखिए कितने मजे से ये बनता पूरा बटर में ही है और बहुत ही अमेजिंग होता है इसका टेस्ट। तो ये देखिए बटर मैंने इसमें डाल दिया है और इसी तरह से हम दूसरा मूंगलेट भी इसमें डाल देते हैं। इसमें भी हमने थोड़ा सा इनो मिला लिया है और इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं और हल्का सा बटर मैंने इसमें डाल दिया था और इसको हम 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम इसके बाद इसे सर्व करके दिखाते हैं। आइए, तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मूंगलेट बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मूंगलेट सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं और ये दिल्ली का बिल्कुल फेमस स्ट्रीट फूड है, बहुत ही मज़ेदार है, हेल्दी भी है। इसका बिल्कुल लुक देखिए इतना मज़ेदार बना है और इसको आप ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग होता है। आप चाहे इसको बच्चों के टिफिन में रख दीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, कभी भूख लगी हो थोड़ी बहुत तब बना के खा लीजिए, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होता है। तो आई होप कि फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फीडबैक में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मूंगलेट की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।